हेलो गाइस, यार कैसे हो सभी लोग। एंड यार एक अपडेट था रिगार्डिंग द छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी पनवेल मुंबई। एंड इसकी यार बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा क्वारी जा रही थी मेरे पास। एंड आई थिंक मैंने कुछ पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर कुछ इश्यू था एंड वॉइस इश्यू एंड अदर्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि अच्छा नहीं बनाया, बोलना नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वैसे नहीं आता। ठीक है, तो आज अपन पूरा फुल क्लियर करने वाले हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि भैया कैसा ये कॉलेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि दिस इज एन प्राइवेट बॉडी, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या सारा सीन है। तो फुल्ली क्लियर कर दूँ, ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि सिचुएटेड है पनवेल नावी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में वो डिटेल के अंदर। और यार ये जो कॉलेज है 2018 के अंदर ओपन हुआ है, यानी कि 2018 के अंदर ओपन हुआ है। अभी तक इसका बीटेक का एक भी बैच नहीं निकला है, यानी कि अभी तक इसमें प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि 2018 से अगर ओपन हुआ है देन इसका जो फर्स्ट बैच है उसके जो लास्ट जो 4 ईयर होंगे वो अभी इस सेशन में जुलाई सेशन के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि इसका जो पहला बैच है प्लेसमेंट सेशन जो है वो इस बार निकलने वाला है, अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड ये है कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है CUET के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके मार्क्स के बेसिस पे जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा एडमिशन आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। ओके, ये एक हो गया सिस्टम। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि हम जो है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग प्रोग्राम के जरिए भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या ये अच्छा कॉलेज है, क्या ये बुरा कॉलेज है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कैसा इसमें प्लेसमेंट होता है। राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बेसिकली अभी तक जो प्लेसमेंट हुआ है वो जो 3 ईयर के या फिर 2 साल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ही सिर्फ प्लेसमेंट हुआ है। अगर आप इसके अंदर प्लेसमेंट सेल की बात करोगे, देखोगे, तो यहाँ पे भी कुछ आपको कुछ दिख रहा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिस जो इसने मेंशन कर रखी है कि मेरे यहाँ पे इतनी इतनी कंपनीज जो है विजिट करती है। जस्ट लाइक इसने लिख रखा है अपनी वेबसाइट पर 250 प्लस कंपनीज, 50 प्लस ऑफर्ड INR, 8 लाख प्लस अबोव पैकेज, 10 प्लस फॉर्च्यून, 500 प्लस कंपनीज, राइट, एंड 73 प्लेसमेंट ऑफर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है प्लेसमेंट है आप मान सकते हो, जस्ट लाइक BBA, BSc एंड अदर जो भी 3 साल का या फिर 2 साल का कोर्सेस होता है उसके हैं। ठीक है, अभी तक जो है इसका बीटेक का एक भी बैच निकला नहीं है। सो बीटेक के जो प्लेसमेंट है वो एक्सेप्ट करना, मतलब बता पाना कि 10 लाख का जाएगा, 1 लाख का जाएगा, नहीं जाएगा, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जस्ट लाइक यार वेरी न्यू कॉलेज। अब अगर कोई न्यू कॉलेज है तो आप उसको ऐसे तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते कि इसका प्लेसमेंट वैसे हवाओं में उड़ जाएगा। अब नया कॉलेज है उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, टीचिंग क्वालिटी है, लीडरशिप है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है। अगर अपन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज ऑलमोस्ट गुड, मतलब ठीक ठाक प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। एंड जस्ट लाइक लेब्स, इक्विपमेंट, सब जो कॉलेज नया खुला है तो थोड़ा बहुत तो उसको अच्छा दिखाना ही पड़ेगा ना, वरना तो बच्चे एडमिशन लेंगे क्यों। राइट, सो इसके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट है जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, देन जो है कॉमर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी है, उसके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटलिटी है, लाइट, देन जो है इसके अंदर लॉ का भी डिपार्टमेंट है जिसको हम फैकल्टी ऑफ लॉ बोल सकते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कम्युनिकेशन भी है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइनेशन एंड आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर भी आपके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस है एंड डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है। राइट, सो ऐसे ऐसे कुछ अवेलेबल है ऑप्शंस। ओके, अब इसके अंदर ना कुछ इंटर्नशिप वगैरह का भी दिया गया है इसकी वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन कि भैया हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी लगती है। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप किसकी लगती है, मतलब अभी तक किसकी इंटर्नशिप लगाई है इन लोगों ने, एक बैच भी तो इनका अभी निकला नहीं है। राइट, सो यहाँ पे जस्ट लाइक इनको कुछ दे रखा है इनकी वेबसाइट पे, अगर मैं आपको बताऊँ जैसे आइडिया है, विप्रो है, जी
जियो है, एयरटेल है, एच सी एल है, रिलायंस एजुकेशन है, आउटलुक ग्रुप है, ठीक है, स्टाइल डॉट मी है, तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ दे रखा है वेबसाइट पे। तो मैं तो आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े सतर्क रहें और सतर्क रह के ही ऐसे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं आप। एंड यार हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हम किसी कॉलेज को जो है नीचा दिखाएं या फिर उसके बारे में कुछ गलत बोलें, या फिर मैंने आज तक किसी कॉलेज के बारे में ये नहीं बोला है कि आप इसमें एडमिशन लो, आप इसमें एडमिशन ना लो, राइट? आई नथिंग टोल्ड दैट अबाउट दिस कि तुम्हें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम कभी किसी कॉलेज को कितना भी बुरा घटिया क्यों ना कभी नहीं बोलते कि यह घटिया है। हम सिर्फ ये बता देते हैं कि भैया इसमें टीचर नहीं है, ठीक है, इसमें लैब नहीं है, इसमें वाईफाई नहीं है, ओके, इसमें टीचर पढ़ाते ही नहीं है, एक टीचर पांच सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो स्टूडेंट अपने आप समझ जाता है कि भैया पांच टीचर, एक टीचर पांच सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, देन क्या ही मतलब टीचिंग फैकल्टी एकदम बकवास है। हम रेटिंग दे देते हैं कि 10 out of 3 मार्क्स इसको देंगे, 10 out of 10 मार्क्स इसको हम देंगे, तो स्टूडेंट अपने आप समझ जाते हैं कि क्या रियलिटी है, राइट? क्योंकि अगर हम जस्ट लाइक बोल भी देते हैं कि इसका जो है ये कॉलेज एकदम बकवास है, तो फिर कॉलेज वाले तो आपको पता है हमसे मतलब बाहर निकल पाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रियलिटी है, ठीक है, तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। और जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उनसे भी मैं पर्सनली यही रिकमेंडेड करूँगा कि डोंट टैक अबाउट दिस कॉलेजेस, उनकी आप रियलिटी बता सकते हो कि ये सारा ये सीन है, ये सारा ये सीन है, ओके। सो यार ये एक न्यू कॉलेज है, अब क्या भैया हम इसमें एडमिशन ले या नहीं ले, आपको क्या लगता है इसमें अच्छा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? आपको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हैं, इतने सालों से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी वेबसाइटों पे लिखा है कि 3 years+ एक्सपीरियंस इन IITs NITs, आप IITN हो, तो क्या आपको पता है इस कॉलेज का क्या सारा सीन है? आपने स्टूडेंट से कंसल्ट किया, उनसे आप मिले हैं? सो यार बेसिकली यहाँ पर जो अभी तक जो मैं मेरी जहाँ तक जानकारी पहुँची है या फिर पता लगा है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स दस लाइक लोकल पास के एंड फ्यू फ्रॉम अदर आउटसाइड स्टेट, ये सारा सीन है। और जस्ट आपके पास बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन होता है लिंक्डइन का, लिंक्डइन पे भी आप जो है अपने जस्ट लाइक जो भी स्टूडेंट्स है उससे कंसल्ट कर सकते हो। और एक जो है हमारा ऐप जल्द ही लॉन्च हो रहा होगा जिसके अंदर जो है ये फीचर बनाया गया है कि वो जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो उसमें आपको जस्ट ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे और आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो कि भैया कैसा कॉलेज है, कैसा नहीं है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितने टीचर है, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट में लैब कैसा है और कैसा है, वो कैसा है, सब कुछ आप उसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसा ऐप जो है जल्द ही लॉन्च हो रहा होगा, इसकी सारी की सारी डिटेल डिस्कशन जो है आपको इंफॉर्मेशन आप इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो यार सब्सक्राइब तो कर लो भाई को, ठीक है, इतना तो बनता ही है, राइट? और कोई भी आपको कंसर्न हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हो। यार प्लेसमेंट वगैरह BHE नहीं लिख रहा है तो मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? और BBA वगैरह का, BSc एविनेशन, इसका कहाँ प्लेसमेंट होता है इस ज़माने में? BTech का बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है, उसका अभी एक ही BSc निकला नहीं है, तो हम क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं आपको कि क्या सारा सीन है? अब आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, आप अगर फुल इंटरेस्टेड है कि मेरे को तो इसी में ही जाना है भैया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, IITs है, NITs है, सारे भाड़ में जाए, मेरे को तो इसी में जाना है, तो उनको तो जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो इसी में जाना है, राइट? पता नहीं क्यों बोलते हैं, या फिर वो जस्ट लाइक वो मेरे से ये बुलवाना चाहते होंगे यूट्यूब पर आके, राइट? सो उनको मैं ये पर्सनली यही रिकमेंडेड करना चाहूँगा, जी हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ, सुनो, तुम ऐसा करो, तुम वहाँ पे जाओ, देखो, ठीक है, वहाँ पे जो सीनियर्स पढ़ रहे हैं तुम्हारे उनसे मिलो, उनसे बातें करो, देखो टीचर है कि नहीं है, लैब्स है कि नहीं है, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, कंप्यूटर कौन सा है, 9th generation, 10th generation, 11th generation कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं, उनके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, लैब कैसा है, लसग्रीन कैंपस कैसा है, हरियाली है कि नहीं है, सारी की सारी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे, दिल को एकदम थोड़ी थोड़ी ठंडक पहुँचे, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब ये मत बोलना कि मैं आप समझ नहीं आता, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।